तो वो तुम थे। अयो अयो अम्मा, कुछ सीरियस होता का? जी मैडम सर, वो हम थे। ये सब छुपाने की वजह जान सकते हैं? मैडम सर, हम डर गए थे मैडम सर। बिना कुछ किया ऐसा चक्रव्यूह में फंस गए थे कि ना ही बताना बन रहा था, ना ही छुपाना बन रहा था। बोलो क्या करने गए थे उस लॉज में? मैडम, हम खाली वहां पर सोने गए थे मैडम। यहाँ पर बिल्ला सोने नहीं दे रहा था। हम सोचे कि काफी दिन से नींद पूरा नहीं हुआ है, एक लॉज में एक रूम बुक करते हैं, वहां पर आराम से सो लेंगे, अगली सुबह थाना पर ड्यूटी पे चले जाएंगे। वहां पर जब हम सुबह जागे तो देखे कि एक लड़की खड़ा होकर हमारे सामने चिल्ला रही है। आप कौन है बहन जी? कौन चोर? कैसा चोर? किधर है चोर? तुम? हम? हाँ, कल रात ये कमरा हमारे पास था और कल रात से हम यहीं पर सो रहे थे। वहां से बाहर निकले ना संतु जी, किसी को सच बताने का हिम्मत नहीं हुआ। बस यही कहानी है मैडम। और ये सारा मामला में ना करीना जी का कोई गलती नहीं है। उनको एक्टिंग ट्रेनिंग का लालच देकर हम ही उनको वहां पर ले गए थे ताकि रजिस्टर से हम अपना नाम फाड़ कर सबूत मिटा सके। उन बेचारी को तो पता भी नहीं था कि करिश्मा मैडम का हमशक्ल होने की वजह से हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब लोग हमारा परिवार है, आप सब लोग हमको बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं। मैडम सर, आपको लगता है कि हम ये सब करेंगे? मैं सर कुछ नहीं किया है मैडम सर, हमारा कोई गलती नहीं, हम बस फंस गए हैं संतु जी। हम कुछ गलत नहीं किए संतु जी। कैसे नहीं किया तूने गलत काम? पूरी रात एक अनजान लड़की के साथ था चीते, किसी को नहीं बताया, तूने मुझसे भी छुपाया, मुझसे। संतु जी, हाथ मत लगाना। नहीं, रजिस्टर का पेज फाड़ दिया ताकि किसी को तेरे खिलाफ सबूत ना मिले, और कह रहा है यहाँ पे हम सबसे कह रहा है कि इस पर विश्वास करें हम। संतु, संतु जी, मैडम सर, संतु जी, ये सब क्या हो गया है? बहरहाल ये लीजिए, हमने पैसों का इंतजाम कर दिया। धन्यवाद। आप बुरा ना माने तो जान सकते हैं कि अचानक से आपको इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? करीना का एहसान उतारने के लिए, जो उन्होंने थाने का 6 महीने का किराया भरकर हम पे चढ़ा है। क्या जी? करी अम्मा, पैसा नहीं, हेल्प इम्पोर्टेंट। मेरी हेल्प करना, ये फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। परफॉर्मेंस गड़बड़, मैं फिल्म से आउट। करी अम्मा, मैं इधर ट्रेनिंग लेने को आया, मेरे को ट्रेनिंग दे, मेरा हेल्प कर, ये बहुत इम्पोर्टेंट, प्लीज। और तुम तो सुना ना, मेरा कोई गलती नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, मेरा हेल्प करना करी अम्मा प्लीज। हमको फर्क नहीं पड़ता है करीना, भगवान, ये सब पुलिस वाले मिले हुए हैं, ये सब मिलकर हमारी बच्ची का अपहरण किया है, हम बता रहे हैं। संतु जी, देखिए आपको गलत फहमी हुआ है, इनका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अगर इसका हाथ नहीं है तो पूछे इसे, ये उस लॉज के रजिस्टर में से अपना नाम हटाने का प्रयास क्यों किया, पूछिए, है कोई जवाब इसके पास? एक मिनट, सिर्फ रजिस्टर में नाम लिखने से कोई दोषी नहीं हो जाता, और वैसे भी अपना ही नाम रजिस्टर में लिखवाकर कौन अपहरण करता है? ये सब आप पुलिस वालों का प्रपंच है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये आदमी इतना ही निर्दोष है तो प्रमाणित कीजिए ना, आप हमारी बच्ची को सही सलामत हमारे सामने लेके आ जाइए।
फिर वो आके खुद कहेगी सबके सामने कि यह आदमी उसके अपहरण में इसका कोई हाथ नहीं है। बोलिए, कर सकते हैं आप? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी ऐसे ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अपने ही आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है भला? हवालात कहाँ हैं? कहाँ हैं हवालात? इस तरफ पीछे। हाँ भागीवान, हमें हवालात की तरफ ले चलो, ले चलो, तुम हमारे साथ चलोगे, ये हमारे साथ रहेगा। चलो हमारे साथ, चलो चलो संतोष जी। हाँ संतोष जी, चलो चलो हमारे साथ, तुम साथ में चलो हमारे। सर सुनिए सुनिए, अगले के साथ। हाँ हाँ, चलो चलो अंदर, चलो 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 अंदर, चलो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो इसको, ताला लगाओ इसमें, ताला लगाओ। पर इसकी चाबी किसके पास है? हाँ हाँ, चाबी किसके पास है, किसके पास है चाबी? चाबी दीजिए। हम देते हैं। संतू जी हमारा बात सुनिए, संतू जी, संतू जी आप हमारा बात सुनिए, संतू जी, संतू जी एक बार देखिए ना हमारी तरफ, संतू जी, संतू जी एक बार देखिए ना हमारी तरफ, संतू जी, संतू जी हमको देखिए ना एक बार। संतू जी हमको देखिए ना एक बार। संतू जी, संतू जी बस करो, जो करना था कर चुके हो, अब आप लोग सब कान खोल कर सुन लीजिएगा, हमें कोई उठाई गिरा मत समझ लीजिए, हम इस शहर के जाने माने पंडित हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी और राजनेता हमारा सम्मान करते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हमें हमारी बच्ची नहीं मिल जाती ना, तो कुंडली बदल कर रख देंगे इस पूरे थाने की, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को ऐसा श्राप देंगे, भस्म हो जाएंगे आप लोग, सर्वनाश हो जाएगा इस पूरे थाने का, हम बता रहे हैं आपको। और जब तक हमें हमारी बच्ची सही सलामत नहीं मिल जाती, तब तक हम यही रहेंगे, और ये आदमी हमारे साथ यही रहेगा हमारे गिरफ्त में। चलिए करिश्मा सिंह। कहां पर मैडम सर? सच ढूंढने उस जगह जहां पर ये सब की शुरुआत हुई है। चलिए चीता चतुर्वेदी को इनोसेंट भी साबित करते हैं और उनकी बेटी को भी ढूंढ कर लाते हैं। इंतजार किस बात का मैडम सर? चलिए। पुष्पा जी, अब कुछ नहीं किए पुष्पा जी। का बकैती चल रहा है ये चीते का? उस लड़की को कुछ भी होता है, चीते के चक्कर में पूरा थाना लपेटे में आ जाएगा मैडम सर, आप देख लीजिएगा। करिश्मा सिंह हम समझते हैं, रिलैक्स, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला उतना कॉम्प्लिकेटेड है जितना आप समझ रही हैं। इनफैक्ट हमारी गट फीलिंग कहती है कि ये लड़की जहाँ कहीं भी है सेफ है और बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगी और उसके गायब हो जाने की वजह भी पता चल जाएगी। भोलेनाथ करे मैडम सर कि ऐसा ही हो। आप ये सब छोड़िए करिश्मा सिंह, आप ये बताइए करीना को पैसे दे के भगाना क्यों चाहती है? उसके बनावटी चोचले हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत है हमें उसके लटके झटकों से जिनका वास्तविकता में कोई वास्ता ही नहीं है। करिश्मा सिंह देखिए, जो भी है जैसी भी है तो आपकी बहन, और अगर उसे आपकी मदद चाहिए तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। एक मिनट ही सही, लेकिन आप बड़ी बहन है, हक बनता है उसका। हक कर्तव्य पूरा करने से होता है मैडम सर, सिर्फ पैदा होने से नहीं होता है। उसने छोटी बहन होने का कौन सा फर्ज निभा लिया जो बड़ी बहन से इतना उम्मीद लेकर वो यहाँ आज आ गई है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है उसने क्या किया हमारे साथ और हमारे बाबूजी के साथ? वो तो पैसे लेके भाग गई थी मैडम सर, पीछे से जो बदनामी हुआ वो अलग, और बदनामी तो छोड़िए, बाबूजी को दिल का दौरा पड़ गया था, उनको इतना दिल का बीमारी हो गया था, इतना गंभीर हार्ट अटैक आया था उनको, उसने एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा कि वो कैसे हैं, जिंदा है कि मर गए हैं, और आज आ गई है अपना हक जमाने, मतलब
आप विश्वास नहीं करेंगे मैडम सर, वो तो भला हो उस एनजीओ का कि एक डोनर मिला और उसने पैसे डोनेट किए और हम बाबूजी का इलाज करा सके। नहीं तो इतना महंगा ऑपरेशन हम अपने सीमित पगार में नहीं कर सकते थे मैडम सर। नहीं है वो हमारी बहन, भाड़ में जाए वो और भाड़ में जाए उसके सब, उसको तो हम निकालेंगे आज घर से भी और अपनी जिंदगी से भी। थाना से आया कुछ पूछताछ करना है। अयो मां, मैं मारा यहां लग। थाने से? जी। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। हाँ? इससे क्या हुआ? हैंडसअप! ये असली वाला हैंडसअप है, नकली वाला नहीं। बंदूक उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं क्या? बिल्कुल टोपा गए हो तुम, पुलिस को बंदूक दिखा रहे हो। रबड़ की गोली चलाने वाली नकली पुलिस है? ओहो, साथ में असली पुलिस भी आई है, इसका मतलब सब मिले हुए हैं। ठीक है, ठीक है। हम समझ सकते हैं संतु, इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, मगर क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि चीता तुम्हें धोखा दे सकता है? वो कभी भी ऐसा कुछ कर सकता है जिससे तुम्हारे दिल को, तुम्हारे भरोसे को जरा सी भी ठेस पहुंचे? मैं करना चाहती हूँ भरोसा पुष्पा जी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ। पर अभी जो हुआ, जिस वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई, उसका क्या करूं मैं? प्यार में ये भरोसा इतना कमजोर पड़ जाता है ना पुष्पा जी, बार बार खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि नहीं, आपका लाइफ पार्टनर कभी झूठ नहीं बोलेगा आपसे, कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा लॉयल रहेगा। क्यों क्यों ये दिलासे की जरूरत पड़ती है? बैठो। पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन ना कस्बे में बहुत भारी बारिश हुई, हम गए थे हमारी सहेली के यहाँ उससे मिलने, भारी बारिश की वजह से पूरी रात हमें उसी के घर रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह हम डरते घबराते हुए घर पहुंचे, सोच रहे थे पता नहीं लल्ला के पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मगर घर पहुंचने के बाद उन्होंने जो कहा उससे हमें उनके प्यार का अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा वो हमें किसी भी सफाई की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हमें ये जानने की जरूरत पड़े कि तुम हमारे लिए कब, कहाँ और कितनी ईमानदार हो, तो फिर हम जो तुम पर भरोसा करते हैं उस भरोसे का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हम तुमसे प्रेम करते हैं वो, तुम्हारा मोह नहीं करते। मोह तो बस चार दिन की चांदनी होता है, थोड़े दिनों के लिए, जवानी खत्म मोह खत्म, मगर प्यार, प्यार रहता है, आजीवन रहता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और चीते का ये प्यार ऐसा ही आजीवन रहे, तुम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहे, तो सबसे पहले ना मोह छोड़ दो और सिर्फ प्रेम करो, क्योंकि जहां प्यार होता है ना मेरी बच्ची, वहां किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं होती। I'm sorry, पुष्पा जी, ये बातें दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी लगती है, जब रियलिटी में चोट लगती है ना, बहुत दर्द होता है। आप और अल्लाह के पापा बहुत महान हैं, नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत कि ये सब भुला कर चीते को माफ कर दूं। I'm sorry. बंदूक कलेजे से चलता है, उंगलियों से नहीं, और वो कलेजा हर कोई लेके पैदा नहीं हुआ है मुरमुरे।
उम्मीद है कि तुम्हारे कानों में गूंजती साय-साय ने तुमको बता दिया होगा कि ये वर्दी भी असली है और उसमें पुलिस भी। अब अगर तुमने कोई टोपागिरी किया ना तो वो हाल करेंगे कि जब जब वर्दी देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे ना देखा। इतना काफी है या आईडी कार्ड दिखाए आप? बस बस हो गया। मुर्गा बनो। मुर्गा यही चेयर में बन जाए? मुर्गा बनो। कुर्सी पे ही बन जाते हैं मुर्गा। मुद्दे की बात करें, देखिए दरअसल हम यहाँ। मंगलू जी, माँ बाबू जी अंदर ही है ना रूम में। एक मिनट, तुम दीप्ति हो ना, आसाराम जी की बेटी? जी हाँ। बताओ, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, जिनको ढूंढने के लिए थाना एकदम परेशान हो गया, वो यहाँ टहल रहे हैं। क्या मतलब? तुम्हारे गायब होने की कंप्लेन लेकर तुम्हारे पेरेंट्स थाने आए थे। हम कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, और तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट आदमी को सजा होने वाली है, इसलिए प्लीज थाने चलिए, थाने चलकर बात करते हैं, ठीक है? आई चलो। अरे भागो भागो, नकली पुलिस है ये, नकली पुलिस है, भागो भागो भागो, नकली पुलिस है, नकली पुलिस है, भागो भाग जा भाग जा भागो, नकली पुलिस है। करिश्मा सिंह, नकली पुलिस, आई जा करिश्मा सिंह। पंडित जी हमारा बात सुने ना, पंडित जी सुनिए ना हमारा बात सुनिए। हम का कहते हैं कि प्रकृति का पुकार आया है और बहुत जोर से आया है, हमको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फट से जाते हैं, करके चले आते हैं। मूर्ख समझ रहे हो हमको? हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे हम कब तक यहाँ बैठेंगे, आधा घंटा तो हो अरे गया। अरे कितना भी घंटा क्यों ना हो जाए, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, जो करना होगा यही करेगा। यहाँ कैसे करेगा शौचालय? शौचालय यहाँ कैसे करेगा, मेरा बिल्लू निवास है यहाँ नहीं। देखो उसको लघु शंका आ रही है, और मुझे शंका है कि इसकी लंका यही लग जाएगी, उसको जाने दो। और करिश्मा मैडम ने कहा है ना, आपकी बेटी को ढूंढ के निकालेगी, वो जरूर ढूंढ के निकालेगी। और करिश्मा मैडम कुछ ढूंढती है ना तो कुछ ढूंढ के ही दम लेती है। अब देखो उस दरवाजे को ताकते रहो। अरे आप क्या देखोगे, आप देखो दरवाजे को ताकते रहो, वहां से वो अपने भौकाल के साथ आपके बेटे को लेके आएगी। देखो मैं कितना बोर होता, सब किधर बिल्लू? अरे करिश्मा मैडम तो यही है, तो हमारी बेटी को ढूंढने कौन गया है? तो मतलब अभी तक हमसे झूठ बोला जा रहा था, कोई हमारी बेटी को ढूंढने गए ही नहीं। अरे ये लोग सब मिले हुए हैं, सब मिलकर हमारी बेटी को अगवा किया है, अपहरण किया है हमारी बेटी का। ये पुलिस स्टेशन है क्या है? कोई कुछ नहीं कर रहा, हमें उल्लू बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ढूंढने मतलब पहले अपने फोर्स को भेजा है ढूंढने के लिए आपकी बेटी को, अभी फोर्स पुलिस खुद जाएगी ढूंढने, है ना? जाएगी ना। हाँ हम जाती, हम अपना भौकाल दिखा कर आती। देखो ए विदाउट किचन, देखे करिश्मा मैडम चली गई ना, आप हमको छोड़ दीजिए। बिल्ले समझाना यार, छोड़ दो उसको, उसका ब्लैडर फट जाएगा। कुछ भी छोड़ दो, इसी ने अपहरण किया। बता कहाँ मेरी बेटी, बता कहाँ मेरी बेटी। अगर बाहर आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, इससे अच्छा वही है कि ये मार दे तुझे। संतु जी, संतु जी क्या कर रही है आप? देखिए ना आपको सुसु तक करने नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा मतलब चिट्टी को बचा लो। हाँ ठीक है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। करो करो करो, हटो हटो हटो। देखिए दीदी आप ना बात समझ नहीं रही है। बिल्ले बिल्ले खोल 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 दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल छोड़ हम छोड़ो। अरे कैसे दरवाजा खोलेंगे, चाबी तो हमारे पास है। चाबी खोल बिल्ले, उसे चाबी की जरूरत नहीं। नहीं हां खोल, कोई कुछ नहीं खोलेगा। अरे कैसे, आगे मन मत खोलो, खोल खोल के अरे ये भाग जाएगा जान से मार दूंगी चीते। संतु जी आप मजाक कर रही है ना, आप हमको गोली मार ही नहीं सकती हैं। मजाक लग रहा है, भाग के देख ले। हमको पूरा यकीन है कि संतु जी आप हम पर गोली। पुलिस पुलिस
क्या हो रहा है यार, कि मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है या तुम्हें भी दो दो पुलिस ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं? मुझे भी दो दो दिख रहे हैं। अभी तो यहीं पर टीका गई। बहुत हुआ तुम्हारा टोपा के लिए, कितना भगाया हमें तुम्हारे पीछे। हाँ चलो अब हमारे साथ चलो। इससे पहले कि चीते के साथ और कुछ गलत हो, हमें इन दोनों को लेके थाने पहुंचना होगा।